ये जी चिकन हमारा तैयार हो रहा है जी। अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च और टमाटर सारा सामान इसमें मैंने ऐड कर दिया जो भी ऐड करना था। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो रात हम सोए हैं देर से और आज सब देर से उठे हैं क्योंकि अब्बू जी भी लेटे हैं मैं धूप में, और मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ता क्योंकि नाश्ता सब देर से कर रहे हैं क्योंकि चाय हमारी तैयार हो रही है, आग जल रही है जी। तो अब नाश्ता करेंगे और जो जो हम काम करेंगे वो सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। जी आग जल रही है और ये चाय बन रही है हमारी भाई, ये चाय हमारी बन चुकी है और ये खड़े हैं खुदम जो काम पे जाना जिन्होंने, वो देखिए जी वो उज़्मा वो बैठी हुई हैं, अब वो मुँह धो रहे हैं। हाँ जी अबू मुँह धुली भी बैठी हुई। अच्छा अबू मुँह धो रहे हैं तो आ रहे अबू जी भी, आए अबू जी आए नाश्ता कीजिए। और ये खुदम ले आया है केक और बाकर खानी है, धूप है तो नज़र भी नहीं आ रहा इतना ना, ये बाकर खानी और ये केक। ओन मोहम्मद पाकिस्तान, ओन मोहम्मद पाकिस्तान जिंदाबाद करो। ये देखिए जी ओन मोहम्मद को बड़े सुकून से खड़ा हुआ बस खाने में मस्त जी। तो ये जी अब खाना पीना शुरू हो चुका है स्टार्ट, ऐसे ही हो तुम आपकी चुप करके बैठ गए। मैं तो देख लूं पहले। हाँ पहले देख लूं फिर उसके बाद शुरू करूं क्योंकि धूप में मेरी तो आँख खुलती नहीं है। हाँ ये तो है, इसलिए जो है ना मुँह ही नीचे कर लूँ, मुँह ही नीचे कर लें। अबू वो में शुरू खाने में और क्या कहते हैं सदा जागते रह गए। जला दी रोटी? नहीं रोटी जली नहीं, इस पे चाय डाली है। चलो जी माशाल्लाह बच्चों के लिए नाश्ता हो गया तैयार। बच्चे कह रहे हैं हमें चाय वाली रोटी बना दें, रात की रोटी रखी हुई है, कह रहे हमने वो बाकर खाने दिए नहीं खाना, हमने कहा ठीक है। बच्चे कह रहे हैं यही बना, मैंने कहा चलो बच्चा यही बना दें। वाह जी वाह, तो उसमें चाय भी पी रही है? हाँ जी चाय भी पी रहे हैं साथ साथ और कपड़े भी धो रहे हैं। और कपड़े भी वो देखे जी, मैंने कहा सर्दी ज्यादा है तो साथ साथ चाय भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते, धूप निकली है, धूप निकली है तो फिर खाना भी बनाना है अब्बू के लिए। बाकी मैं कपड़े धो और मैं खाना बनाती हूँ। ये मशीन लगी हुई है हमारी, और मशीन बताया था ना आपको मैंने सब बहन भाइयों को, मैं दिखाती हूँ ऐसे डर भी लगता है यहाँ से, ये उखड़ चुकी है कोई भी, वो पीछे गिर गई है उसे सीधा करते हैं। माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों ये चिकन हमारा तैयार हो रहा है और अब मैं चिकन बना रही हूँ। पहले मैंने प्याज फ्राई कर ली, फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद जब इसकी अच्छे से तलाई हो जाएगी फिर मैं उसके बाद, ये आग चल रही है और क्योंकि गैस फिर नहीं आ रहा बिल्कुल, मैंने गैस पे रखा था लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का सा गैस आ रहा था, उधर से अब्बू को जल्दी है। तो भैया ये देखिए जी काम हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ, लाइट जा चुकी है तो मैंने चूल्हा यहाँ निकाला, मैंने कह सकता है कि गैस आ जाए थोड़ा थोड़ा सा लेकिन नहीं आया गैस, और अब्बू जी उधर बैठे हुए हैं, उज़्मा भी वो देखे अब्बू की सर में तेल लगा रही है, मालिश कर रही है अब्बू की सर की। तो वो कहते हैं ना बेटियों के लिए तो बाप बहुत अजीज़ होते हैं, और जब हम छोटे छोटे होते थे हम भी यही काम किया करते थे, आना अब्बू ने काम से जब आना तो हम सब अब्बू की कोई टांगे दुबा देते थे, कोई सर दुबा देते थे, है ना उसमें? हाँ जी हमारा तो दिल ही चाहता कि हमारे अब्बू हमसे जुदा हो और जाएं, हमसे जुदा हो और हमसे जाएं। तो मैं पास करके दिखाती हूँ सबके जी, उज़्मा अब्बू के सर में तेल लगा रही हैं और अब्बू जी बड़े मजे से तेल लगवा रहे हैं सर में। अब्बू की सेवा करते थे बस बचपन में भी हाँ हम ऐसे ही किया करते थे अब्बू जी के साथ ना, हमें अपना वही बचपन याद आता है। फिर जब अब्बू यहाँ आते हैं, जब हमारे पास आते हैं हम कोई टांगे दुबाने में कोई सर दुबाने में लग जाते हैं। जी अदरक लहसुन सब्ज मिर्च और टमाटर सादा सामान इसमें मैंने ऐड कर दिया जो भी ऐड करना था। मम्मी साला अब इसको फेंट लूँगी मैं जी। तो ये हमारा क्या कहते से चिकन ये हो गया था फ्राई हो गया घी में, तो मैंने इसमें टमाटर अदरक लहसुन और क्या कहते से हल्दी सब कुछ ऐड कर दिया हुआ इसमें, तो और सब्ज़ मिर्च भी, फिर उसमें मैंने कोरमा मसाला, अब इस पर ढक्कन दे दूंगी मैं कुछ देर के लिए, इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर कोरमा मसाला मैंने दही में अभी मिक्स कर लें, इसको फेंट लेना, फिर इसके अच्छे से हम इसकी भुनाई लगा लेंगे जी।
अच्छे से इसकी बुनाई लगा लेंगे, अच्छे से बुनाई लगा लेंगे, फिर हम खाएंगे, फिर अक्षा के नाना अबू खाएंगे, मेरे अबू जी खाएंगे, क्योंकि अक्षा जी तो अबू जी ने जाना है, अबू जी को भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो अबू कह रहे हैं कि मैंने आज ही वापस जाना है, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ ताकि खाएँ, और फिर अबू जी ने सफ़र तय करना है, 6-7 घंटे का सफ़र है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचाए। या बच्चों से लकड़ी मंगवाई है बहन भाइयों, तो खाना बना रहे हैं ना तो गैस भी नहीं है, तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी तो आज मंगवाई है लकड़ी की, और खड़े हैं बस इसी तरह लाइट के इंतज़ार कर रहे हैं, मशीन लगाई थी वो मशीन जब रुक हुई है, लाइट आएगी तो हाँ जी, और अब उन्हें जाना है तो काम वगैरह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे अबू को खैर खैरी से पहुँचाए, तो हमारी दुआएँ उनके साथ रहती हैं, तो अबू का साया हमारे सब पे सलामत रहे, तो हम ये कहते हैं कि सब बहन भाइयों के वालदैन के सलामत बहन भाइयों के साथ रहे, आमीन। ये जी चिकन हमारा तैयार हो रहा है, हो गया बल्कि तो सालन लकड़ी पर बन गया, हल्का हल्का से गैस आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं ना, तो सालन हमारा तैयार हो गया हुआ है, और सब बहन भाइयों को दिखाती हूँ, ये देखिए हल्का हल्का सा शोरबा अबू ने कहा रख ले, तो हल्का हल्का सा सीधा शोरबा मैंने रखा है, तो बाकी मैंने काली मिर्च और वाइट मिर्च और धनिया ऐड कर दिया हुआ है, तो अब अबू जी को खाना देना है क्योंकि अबू जी ने जाना है बहुत जल्दी अबू जी को जाने की, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं नेचर पाई के नीचे डाल देंगे, क्योंकि कहीं बारिश ना आ जाए फिर मौसम फिर ख़राब है, तो मैंने लकड़ियाँ मंगवा ली नहीं है, तो लकड़ियाँ हम चरपाई के नीचे रख देंगे, और फिर नीचे जलाने के काम आती रहेंगी, फिर सर्दी भी इतनी है कि अब लाइट चली गई है, लाइट भी नहीं आ रही है, 3 घंटे से लाइट नहीं है, और पानी भी ख़त्म हो चुका है मुकम्मल, तो बस जो मशीन ले बैठे हैं कपड़े भी इसी तरह ही पड़े हैं, कपड़े भी अभी तो कुछ धुले हैं पानी से निकल गए हैं, कुछ रह गए हमें, कुछ रह गए हैं, हमें तो ये था कि धूप निकली तो जल्दी जल्दी मशीन लगा लेते हैं, सोचते कुछ है होता कुछ है, ऑन मोहम्मद की बॉल पड़ी है नीचे चार पाई के, वो बॉल जिन से ना वो बच्चों को बेच के नीचे से निकलवा लेती है, ठीक है ना, ठीक है, चलो कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं और पानी बिल्कुल ख़त्म है, तो चलें अल्लाहवादी से लाइट आ जाती है, फिर पानी में से निकालते हैं सारे कपड़ों को, धुले थे वो तो फैला दिए थे उस्मा ने कि सूख जाएँ जल्दी से, इधर भी दिखाती हूँ मैं ये देखे, तो और ये खड़ी है उसमें, हाँ जी मैं परेशान हूँ आज, तो बहुत अच्छी धूप निकली थी, मैंने कहा चलो मशीन लगाते हैं तो कपड़े धोते हैं, चले कोई नहीं, खैर है, अब खड़े हैं परेशान, हाँ आज धूप नहीं है तो गैस भी तो बिल्कुल लाइट आया हुआ, दिया जला हुआ है जिस पर दूध गर्म हो रहा है, सालन तो मैंने लकड़ियों पर बना लिया, नाश्ता भी सुबह लकड़ियों पर बन गया, हाँ जी अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, खैर है, खाने के लिए उसमें शीट बिछा दी हुई है, हाँ जी बिछा दी है, ये हम शीट बिछा रहे हैं, खाना लगाते हैं, तो खाना लगाते फिर घर की सफाई करते, सारी फर्श धोना पड़ेगा आज, और मैं बहन भाइयों को दिखा देती हूँ कि बादल देखिए, फर्श इसीलिए नहीं धोया एक दिन मैंने, नहीं नहीं आज धोना पड़ेगा कि ज़्यादा गिचदा ना मजे, झाड़ू भी लगी, झाड़ू एक बार तो लग चुकी, दोबारा फिर बच्चे ये देखे अचना फिर क्या देखे, अच्छा बारिश आ जाए ना बुझा ही ना सके, अपने बालों का हाल देखा देखा पहले, वो अंकल आंटीज नहीं देखेंगे कि बालों का हाल क्या किया हुआ आपने, जी अबू जी बैठ जाए खाना देते हैं आपको, ठीक है ठीक होगी, ये रोटी ले आए, आ जाओ आ जाओ, और बादल भी देख ले, आ हाँ या अल्लाह बारिश ना देना, आज जानेंगी सालन, ये हमारा सालन, ये देख, तो आ जाए जिस बहन भाई ने आना है आए और हमारे साथ खाना खाएं, हाँ जी हाँ जी, डाल दिया आपने, हाँ जी सर मैंने बाउल में डाल दिया, और तो ये दूध के लिए इंतजाम में बैठी हूँ कि हल्की हल्की चले, वो आ रही है गैस, तो दूध इसी पे गर्म हो जाए, मैं जल्दी से चाय भी इसी पे बना लूँ, हाँ जी, तो नाना अब को बहुत जल्दी हो रही है, चले हम तो कह रहे हैं कि वो एक सॉन्ग है, ए बड़े कदम आज इतना बरस के वो जा ना सके, हम तो कह रहे हैं ए बड़े कदम आज इतना बरस के हमारे अबू जा ही ना सके, और अबू कह रहे हैं कि नहीं जाना है आज, जाना है, जाना लाजमी है अबू जी आज,
पोती बीमार है अबू जी की, हमारी भतीजी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो पहले बहन भाई दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। 8 माह की है अभी और नाम भी इसका नाम है सौमिया जी। तो पहले बहन भाई हो, खाना मतलब तैयार हो चुका है, अबू जी बैठे हुए हैं, हम दोनों बैठी हुई हैं साथ, और हमारा आज अबू के साथ आखिरी दिन है यहाँ पे अबू का हमारे साथ। लेकिन वो कैसे कि अबू आज चले जाएंगे मुल्तान से, तो घर जाना उन्होंने लाजमी, तो अब खाना खाने लगे हैं, हमने कहा चलें बैठ के मिल के सब बेटियाँ भी और नवासा नवासी अबू जी के साथ ही मिल के खाना खाएं तो अच्छा लगेगा। ये सब बच्चा बाल्टी बैठ के बैठ चुकी है, उज़्मा भी, अबू जी भी, अबू भी बच्चा बाल्टी में शामिल है, कैक्षा भी इधर इधर बहुत बच्चे हैं। ये 2 मेरे बेटे बने हुए हैं, ये हुसैन और उस्मान, ये भी बैठो बैठो खाना खाओ सुकून से, जितना दिल करे उतना आ जाए खाना खाएं हमारे साथ जी। तो सब खाना खा रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय जल्दी जल्दी से, थोड़ा थोड़ा सा गैस आ रहा है, मैंने कहा जल्दी चाय बना लूँ, और अबू जी खाना खा रहे हैं, उस्मान सब बच्चे खाना खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से चाय बन जाएगी और फिर सब पियेंगे मिलकर जी। तो प्यारे बहन भाइयों, ये था हमारा आज का व्लॉग, और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, और ये मेरे अब्बू हैं मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिर तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और जितने भी बिरौने मुल्क से पाकिस्तान से हमें सब देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। तो देखने वाले सोचेंगे अब्बू बोल नहीं रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि हमारी फूफा फोत हुई हैं, तो इस वजह से अबू किसी टेंशन में है पुप्पो की, तो इसलिए अबू बहुत चुप चुप है कल से, तो अल्लाह ताला पुप्पो को जन्नत नसीब करे, आमीन। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।